हेलो फ्रेंड्स, मैं बीना वेरिएशन रेसिपी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ मैदे की पूरी, और इसके लिए हमें सामग्री में चाहिए 150 ग्राम मैदे का आटा, 2 चम्मच तिल, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 50 ग्राम तेल और पानी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें आटा गूंदना है। इसके लिए हम आटे में तेल मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें तिल, स्वाद अनुसार नमक, सूखा धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर को डालकर मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंद लेते हैं। ये पूरी पूरे 1 महीने तक अच्छी ही रहेगी। आटा गूंद लेने के बाद हम इसे 10 मिनट तक ढक्कन ढककर रख देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस आटे को एक बार और अच्छे से गूंद लेंगे। पानी ज़्यादा न पड़ जाए उसका ख्याल रखना है। अब हम आटे को इस तरह से मसल लेंगे। अब हम इसके छोटे छोटे लोए कर लेते हैं। इस तरह सारे लोए कर लेना है। अब हम इसे बेल लेते हैं। फिर पूरी फूल न जाए इसलिए हमें इसमें काटा चम्मच से काना पाड़ना है। इस तरह सारी पूरी तैयार कर लेंगे। फिर इसे थोड़ी देर तक सूखने देनी है। पूरी तलने के लिए कढ़ाई में तेल रखेंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म होने देना है। फिर इसमें हम एक एक करके पूरी डालेंगे। और सारे पूरी गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। अगर आपको पूरी बिस्किट जैसी करनी है तो आटे में पानी थोड़ा कम डालिए और धीमी आंच पर पूरी को थोड़ी देर तक फ्राई कीजिए। इससे आपकी पूरी बिस्किट जैसी क्रिस्पी हो जाएगी। तो इस तरह से सारी पूरी तैयार कर लेंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।